हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इनोवेटिव डिलाइट्स में। आज मैं एक नई डिश, टोटली नई डिश, और आपको बहुत पसंद आएगी। देख के भी आप हैरान हो जाएंगे, सुन के भी और सोच के भी कि मैंने ये इतनी स्पेशल डिश कैसे बनाई, कैसे मेरे दिमाग में आई। क्योंकि मेरी चैनल का नाम ही है इनोवेटिव डिलाइट्स, तो मुझे हर रोज़ नई डिश लाने का मौका मिलता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। ये है चुचेनी के पकौड़े, लाजवाब पकौड़े। इसके टिप भी बताऊँगी कि ये कितने कुरकुरे और हलवाइयों के जैसे बहुत देर तक कुरकुरे रह सकते हैं। पहले मैंने इसमें ऑयल गरम करके पहले से रख लिया है और इसमें मैंने जुचिनी डाली है। लेकिन इससे पहले इसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे जुचिनी कट करके रखी, प्याज, धनिया और नॉर्मल मसाले, जो बेसिक मसाले हैं वो यूज़ किए हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब मैंने, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बच्चों को खाना है तो अवॉइड कीजिए। और फिर इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है, ब्लैक पेपर भी डाला है, सबको एक साथ फिर जैसे पकौड़े बनाते हैं एक्चुअली बनाया है। लेकिन एक स्पेशल ट्रिक देखिए, मैंने इसमें सब कुछ डाला है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, इसमें मैंने जो बेसन की क्वांटिटी ली है वो बहुत ही कम ली है। बेसन है 1 और आटा है 3, 1:3 के रेशियो से लिया है मैंने, तभी ये कुरकुरे बनेंगे और स्वादिष्ट बनेंगे। यही इसकी एक स्पेशल टिप है जो मैं बताना चाह रही थी आपको, कि आटे की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और ताकि ये कुरकुरे बन सके। और इसे खुला रखिए, अगर आप कवर करके रखोगे तो ये मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अपना ध्यान रखिए, खाइए, इंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मैं और मेहनत करूं और नई नई डिश आपके सामने ला सकूं। और ये मेरी नई सोच को आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट खाली कमेंट नहीं होता, आशीर्वाद भी होता है। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और फिर नई डिश के साथ, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।